अजीत क्या हुआ? अरे कहाँ है मेरी बेटी? बेटी? मेरी बेटी कहाँ है? बोर्डिंग में होगी शायद। भोले बनने का नाटक मत करो, सीधे सीधे बताओ वरना गोली मार दूंगा तुझे मैं। अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे क्या मालूम कहाँ है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुमने ही फैक्ट्री का रिमोट चुराकर किडनैपर्स को दिया है और किडनैपर्स के साथ मिलकर तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है ताकि मैं उन्हें रिमोट का कोड दे सकूं। क्या बात कर रहे हो अजीत, मैं ऐसा क्यों करूंगा? पैसों के लिए। व्हाट नॉनसेंस, पैसे बहुत है मेरे पास। देखो अजीत, शांत हो जाओ, रिलैक्स, हम पुलिस को बताते हैं। देखो रिमोट कंट्रोल के बारे में किसी को पता चल गया तो परेशानी होगी, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा तू। चल मुझे मारे, सुनो मेरी बात, चल। अजीत मेरा विश्वास करो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। चल। देखो मुझे नहीं मालूम। आप लोग सब यहीं रुक जाओ, कोई भी हमारे पीछे नहीं आएगा। और अमित, सीआईडी को फोन करके जल्द से जल्द बुलाओ, उनसे कहना कि प्रवीण ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। चल। अजीत लेकिन मुझे लेकर जा रहे हो? छत पे लेके जा रहा हूँ तुझे। हेलो। हेलो अजीत जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रजत सीआईडी से। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको यहाँ बुलवाया। मैं ऊपर आ रहा हूँ आपसे बात करने। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, ऊपर आने की कोशिश मत करना वरना मैं प्रवीण को गोली मार दूंगा। देखिए अजीत जी, आप ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। गलत तो इसने किया है, प्रवीण ने। क्यों, क्या किया प्रवीण ने? इसने मेरी बेटी को किडनैप करवाया है। आपको कैसे लगता है कि प्रवीण ने ही आपकी बेटी का किडनैप करवाया? आज सुबह जब मेरी बेटी किडनैप हुई तो उसके आधे घंटे के बाद मुझे किडनैपर्स का फोन आया कि मैं प्लांट के रिमोट को लेकर बोरीवली के पुराने फैक्ट्री में आऊं और आकर के उन्हें वो रिमोट दूं और अपनी बेटी को वापस ले जाऊं। लेकिन जब मैं वहां गया, जाकर उन्हें रिमोट दी, तो उन्होंने रिमोट तो मुझसे ले ली लेकिन मेरी बेटी को मुझे वापस नहीं किया। लेकिन इसमें प्रवीण की क्या गलती? क्योंकि मेरे अलावे सिर्फ प्रवीण को मालूम था कि प्लांट का कोई रिमोट है और वो मैंने रखा है। देखिए अजीत जी, आप घबराइए मत, आपकी बेटी भी मिल जाएगी, वो रिमोट भी मिल जाएगा। मुझे रिमोट की कोई परवाह नहीं, ना ही लोगों की जानों की परवाह है, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, वो भी 3 घंटों के अंदर। इंस्पेक्टर ठीक है, अगर प्रवीण ही सबके पीछे है तो उसे पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी, वरना ये कैसे पता चलेगा कि आपकी बेटी कहाँ है? वो आप जानो, लेकिन मैं आप लोगों को ऊपर आने नहीं दूंगा। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, वो भी 3 घंटे के अंदर, नहीं तो मैं प्रवीण को गोली मार दूंगा और खुद को भी गोली मार लूंगा। अजीत जी, हम लोगों के मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, समझे? हेलो, बहुत मस्ती चढ़ी है ना तुझे, भागने की कोशिश कर रही थी। नहीं अंकल, अब मैं कोई मस्ती नहीं करूंगी और कहीं नहीं भागूंगी। अगर दोबारा भागने की कोशिश की ना तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो मैंने अपने चमचों का किया है। गोली मार दी मैंने उनको, तेरी वजह से मेरे 2 आदमी मारे गए, तेरी वजह से। अरे अंकल, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, पर प्लीज मुझे मेरे पापा के पास जाने दीजिए ना। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, पहले उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। मानेंगे, जरूर मानेंगे, अब मेरी बात करवाइए, मैं उनसे कहूंगी। हाँ, तेरी बात करवाऊं और खुद को मौत के मुंह में ढकेल दूं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। बस ये देखो आज की ताजा खबर देखो। जैसा कि आप देख रहे हैं, बायोकेमिकल प्लांट के बाहर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हुई है। कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर अजीत सिंह जी ने अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण जी को बंधक बनाया हुआ है। उनका ये मानना है कि उनकी 10 साल की मासूम बच्ची के किडनैपिंग के पीछे प्रवीण जी का हाथ है। अब सनसनीखेज खबर ये आ रही है कि बायोकेमिकल प्लांट को काबू में रखने वाला रिमोट अब आतंकवादियों के हाथ में लग चुका है, जिससे हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीआईडी इन आतंकवादियों के गिरोह को पकड़ पाएगी? क्या सीआईडी इस मासूम बच्ची की जान को बचा पाएगी? क्या सीआईडी इस जहरीली गैस से लोगों को बचा पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए लाइफ टाइम न्यूज। ये अजीत भी पागल हो गया, इसकी वजह से रिमोट की बात सीआईडी को पता चल गई। और प्रवीण का क्या करें? अरे करना क्या है, जो करना अजीत करेगा, मरे अजीत हमें क्या। और अगर दोनों सीआईडी के हाथ लग गए तो हमारा प्लान तो चौपट हो जाएगा फिर। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे हाथ रिमोट लग चुका है, बस जरूरत है हमें इसके कोड की। मगर बॉस, हर 5 घंटे में तो इसका कोड खुद ब खुद बदलता है, और जब तक हमारे पास कोड नहीं है ये रिमोट तो बेकार है। जिसके पास कोड है वो तो छत पर है, अब हम क्या करेंगे? मेरा दूसरा पायदा कब काम आएगा? इसी कंपनी का सीनियर ऑफिसर है सुनील,
अब वो हमें कोर्ट देगा। हाँ हाँ बोलिए। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका, अब तुम्हें करना है। बॉस फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, या सीआईडी और प्रेस वालों ने हंगामा मचा रखा है। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। मुझे एक घंटे के अंदर रिमोट कंट्रोल का कोड चाहिए, वरना जैसे 10 साल की पूनम मेरे कब्जे में है वैसे ही 8 साल का करण मेरे पास होगा, समझे? नहीं सर, प्लीज आप उसे कुछ मत कीजिएगा। मैं कुछ करता हूँ सर। सिर्फ एक घंटा है तुम्हारे पास। कुछ पता चला? हाँ सर, सर प्रवीण ही वो देशद्रोही है। क्या? हाँ सर, मैंने पता लगाया, उसका विदेशी बैंक में एक अकाउंट है और कुछ दिनों पहले उस अकाउंट में 3 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इसका मतलब अजीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रवीण ही वो आदमी है जिसने वो रिमोट आतंकवादियों को दिया है। लेकिन सर अगर प्रवीण वो रिमोट दे चुका है तो फिर उसने अजीत जी की बेटी पूनम को किडनैप क्यों किया? हो सकता है श्रेया रिमोट के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो आतंकवादी अजीत जी से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसके लिए उसने एक 10 साल की मासूम बच्ची को किडनैप कर रखा है? श्रेया सवाल का जवाब तो अजीत जी देंगे। अब क्या करें सर? रजत सर का इंतजार, जब तक वहां से कोई मैसेज नहीं आता हमें सिर्फ इंतजार ही करना होगा। चंदू, अरे दो और आदमी को भेज दे। पिछले वाले बिल्कुल बुद्धू थे, एक 10 साल की लड़की उन्हें बेखूफ बना गई। बॉस ने दोनों को टपका डाला, समझा क्या? ये बुरा आदमी यहाँ से जाए तो मैं पापा को फोन करके यहाँ बुला लूं। जाओ जाकर रिमोट लेकर आओ। ये मुझे क्या हो रहा है? भगवान मेरी मदद करो ना प्लीज, मुझे चक्कर आ रहे हैं। भगवान मेरे पापा को यहाँ भेजो ना। दोनों को मार दो। अरे ऐसे कैसे मार दूं? मैं कोई खूनी नहीं हूं। नहीं नहीं, लेकिन अगर नहीं मारा तो वो मेरे बेटे करण को मार देगा। कुछ करना ही पड़ेगा। ये क्या? मेरा कंप्यूटर ऑन है, आज तो मैं अपने केबिन में आया ही नहीं। सर कहीं वो रिमोट का कोड लेकर भाग तो नहीं गया? अजीत जी, आपके अलावा आपके ऑफिस में कोई है जो आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। याद कीजिए, आपने अपना पासवर्ड कभी किसी को बताया? अजीत जी, आप ही के ऑफिस के किसी आदमी ने आपका कंप्यूटर खोला है। सोचिए कौन हो सकता है वो। ठीक है, मेरी चिंता छोड़िए सर,
उसे पकड़िए। गोली मत चलाना प्लीज। पता कोर्ट कहाँ है? कोर्ट? कैसा कोर्ट? मैं नहीं जानता। अब याद आया? देता हूँ। सुनील, तुम भी किडनैपर से मिले हुए हो? चल ब्यूरो चल, सब पता चल जाएगा तुझे। आतंकवादियों का साथ देने का नतीजा क्या होता है? चल। जी जी, आप ठीक है? मेरी फिक्र छोड़िए सर, मेरी मेरी बेटी पूनम को बचाइए। उसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे मतलब? उनके किडनैपर्स ने मेरी बेटी को जहर दिया, उसका एंटीडोट मेरे पास। यदि ये 2 घंटे में उसके पास नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगी। प्लीज बचा लीजिए, प्लीज। कभी नहीं, किडनैपर को इस कोड की जरूरत है और इस कोड के लालच में वो पूनम का पता जरूर बताएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।